अभी जस्ट आया मैं शॉपिंग करके छठ की, तो आज शाम वाला छठ है और आज जो ये सेकेंड डे है छठ का, और अभी देख रहे हो कि मैं अकेले हूँ घर पे, अभी घर पे कुछ सामान लेने आया हूँ और थोड़ी देर में निकलना भी पड़ेगा। घर कितना शांत लगता है बच्चों के बगैर। तो ये हालत हो गई है अभी, और ये जो चार दिन हैं छठ के वो बहुत ही क्रूशल होते हैं और बहुत ज़्यादा ही। सबसे पहले तो ये मास्क, तो एक तो मार्केट में इतनी रश, उस पर भी मास्क। तो अभी ऑलमोस्ट शॉपिंग हो चुकी है दूसरे दिन की, तीसरे और चौथे दिन की शॉपिंग अभी बाकी है। सुबह मॉर्निंग में जाएंगे जिसमें गन्ना वगैरह आता है और नारियल, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये अकेले मेरे का नहीं है, चीज़ों भी साथ में आएंगे, तो कल हम शॉपिंग करेंगे बहुत सारा चीज़ें। और अभी के लिए कुछ शॉपिंग तो मेरी भी हो चुकी है ऑनलाइन, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ बाकी आने वाले टाइम पे छठ की भी शॉपिंग शायद ऑनलाइन ही होगी। कुछ पार्सल मेरे आके रखे हुए हैं, इनको अनबॉक्स भी करना है। अभी जितने भी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, मैं जैसे अभी आप देख रहे हो कि सारे मैं हैंड से ही शूट करता हूँ, मतलब हाथ में रख के मोबाइल को। तो लेकिन अभी कुछ चीज़ें मैंने ऐसी मंगाई है, जैसे MI का देख रहे हो आप, और ये कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ अपने व्लॉग में। क्योंकि आप व्लॉग बनाते हो और डेली शूट करते हो, हर टाइम शूट करते हो, तो हमेशा आप कैरी नहीं कर सकते इसको। ये एक अच्छा पोस्चर नहीं है आपको पकड़ने का, ग्रिपिंग भी बहुत अच्छे से नहीं आती इसमें। जैसे भी आप देख रहे हो कि होल्ड किया हुआ मैंने, और ये बहुत ज़्यादा मूव करते हैं। जैसे भी आप देख रहे हो कि अगर आपके अलावा अगर आप कर भी लोगे तो किसी से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई मेरे लिए हेल्प कर दे या कैमरा पकड़ के कुछ शूट कर ले, तो वो नहीं कर पाएगा, चीज़ें बीच में बिगड़ती हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अनबॉक्स करना है, लेकिन मुझे वापस जाना पड़ेगा क्योंकि कुछ सामान लेने के लिए आया हूँ मैं, और ये लेके फिर से वापस जाना है। बहुत सारे लोग आने वाले हैं वहाँ पे, क्योंकि छठ जो है वो सभी लोग नहीं कर पाते। दिव्या ने बोला है कि अच्छे से रेडी हो के आना, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा कुछ करने नहीं वाला। वैसे भी मैं कुछ करता नहीं, मेकअप वगैरह जो भी है, तो अभी मैं वैसे ही फेस क्लीन करूँगा और कुछ चेंज भी नहीं करने वाला मैं डायरेक्ट वैसे ही जाऊँगा मैं अभी, कि मैं उतना वैसे भी शॉपिंग से टायर्ड हो चुका हूँ और अभी उतना मेरा है भी नहीं कि मैं चेंज करूँ। तो जो भी है अब लोग जानते हैं मुझे, एक्सेप्ट करेंगे वैसे ही। आज मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या चीज़ें जो हैं वो लेते हैं वहाँ पे, गन्ने से लेके नींबू है, फल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम लेने वाले हैं। उसका लिस्ट भी ऑलमोस्ट बन चुका होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकलते हैं यहाँ से, और मेरे पास एक रिक्वेस्ट आया था ये बैग के लिए। बैग में इनकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आव्या के, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो कभी अपने से दूर नहीं रखती, पता नहीं कैसे भूल गई इस बार ले जाना। तो ये मैं इसकी डिलीवरी जो है वो देने जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, ये देखो तुम्हारा बैग, यही चाहिए था ना। देखो इसके अंदर क्या है, सरप्राइज है, लेकिन मेरे काम का है। दूसरे पॉकेट में देखो, वाह, ये तुम जब कैमरा होल्ड करती हो ना उसके लिए है, जब मोबाइल करोगी ना शूट, तो तुम्हारा ब्रश आ गया ना, तुम्हारा फेवरेट ब्रश। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बन रहा है जिसको कहते क्या कहते, ठेकुआ। और लोग कहाँ कहाँ से आते खाने के लिए इसको। ये दो दो बन रहा है जल्दी बनने के लिए, तो दो और लिया था तुम्हें। अच्छा, अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, और बाकी जितने भी चीज़ें हैं जो मेन चीज़ें हैं वो लगने वाली है, जैसे कि फ्लावर है। एक कंप्लीट एक मार्केट है, एक हब है जहाँ पे हर चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि छठ के लेके जो हर एक चीज़ वो यहाँ पे मिल जाएंगी। फ्लावर है और जो भी उससे चीज़ें जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे आप नारियल देख रहे हो, फ्रूट्स हैं, गन्ने हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे मिलेंगी। और ये सारी जो चीज़ें बहुत मेन हैं और नॉर्मली ये दिखने को नहीं मिलती हैं कभी भी, लेकिन जब भी ये छठ आती है, ये जो फेस्टिवल है, तभी ये सारी चीज़ें दिखती हैं।
तो यहाँ पे आप जितने भी फ्रूट्स हैं वो देख सकते हैं। इस बार रश जो है वो थोड़ा कम है कोविड के कारण, और ये सारे जो है एकदम मेन चीज़ें, और यहाँ पे ये अपनी गेम चल रही है इनका, तो अच्छा है, इनका भी इन्जॉयमेंट हो रहा है। और यहाँ पे इनकी जो मस्ती है फिल्मी अंदाज में है, जितने भी लोकल वेंडर्स हैं यहाँ पे, जितने भी बेच रहे हैं, और मैं इनके लिए यही कहूँगा कि जितना ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और गांव से लेके आते हैं चीज़ों के लिए शहर में बेचने के लिए, तो इनको प्रॉपर रेट मिलना चाहिए। और कभी कभी नहीं मिल पाता, उसके बाद भी हम लोग इनसे कम कराते हैं कि आप कम करो। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर इनके जो प्राइस बोले तो उस प्राइस पे दे देंगे तो ज़्यादा बेटर मुझे भी लगता है, क्योंकि मैंने भी कहीं कम नहीं करा है, कहीं ना कहीं से इनकी हेल्प तो नहीं कर सकते, लेकिन जितने प्राइस में ये लोग बोल रहे हैं उतने प्राइस में हम दे सकते हैं, क्योंकि शॉपिंग मॉल में हम जाते हैं तो चीज़ों को हम कभी बोलते नहीं है कि इसमें कम कर दो कम कर दो, लेकिन यहाँ पे चीज़ें हम एटलीस्ट अपनी तरफ से कुछ चीज़ें कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं इनसे हम ज़्यादा। जैसे कि बहुत लोगों को देखा है मैंने कि 100 रुपये की चीज़ को 50 रुपये से स्टार्ट करते हैं, तो किसी की मजबूरी का उतना फ़ायदा नहीं उठाएंगे। और फेस्टिवल सीज़न है, देने का टाइम हमारा है, तो जितनी हमारी हो सकती है हम एक्स्ट्रा दे तो नहीं सकते, लेकिन उनकी जो बनता है जितना पैसा उतना दे सकते हैं हम। तो ये मेरी एक स्मॉल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। थैंक यू। जरूरी जो चीज़ है वो हम रह गया था, ये है गन्ना। गन्ना ही एक ऐसा फल है जो सबको बांध के रखता है, तो यहाँ से हम गन्ना लेने वाले हैं और ये सुबह में हम लगाने वाले हैं इसको। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डेकोरेट करते हैं, और इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है गन्ने की। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग जितने भी शॉपिंग है कर चुके हैं, और इसको हम लोग अभी सेट भी कर चुके हैं, तो एक अलग ही तरीके से हम लोग सेट करते हैं इसको। और ये है यहाँ पे टेरेस जहाँ पे हम लोग करने वाले हैं छठ। और ये जो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ये 2 साल पहले नहीं थी, तो यहाँ पे सनसेट बहुत अच्छे से दिखता था यहाँ पे, लेकिन कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं हम लोग को। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्लस पॉइंट हैं यहाँ पे। मुंबई में एक चीज़ अच्छी बात है कि क्राउड बहुत है, बिल्डिंगें बहुत है, लेकिन ग्रीनरी भी उतनी ही। तो यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, और यहाँ से आना स्टार्ट हो गया है। अंकल ने अपना जो गन्ना है वो भी लाया है, जो एक मान्यता है एक अच्छा सा, वो भी मैं आपको डेकोरेट करके भी बताऊँगा। और ये है हमारी जो छोटी सी पॉन्ड कह सकते हो, जिसमें हम एक अच्छा सा हम विजुलाइज़ करते हैं चीज़ों को, जहाँ पे हम पानी जैसी चीज़ें, जैसे एक्चुअली मान्यता तो ये है कि आप तालाब में नदी में करते हैं हम लोग, लेकिन वैसा माहौल हम लोग क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे घर पे भी लोग रेडी हो रहे हैं, और दिव्या भी ऑलमोस्ट रेडी है और रेडी है तो यहाँ पे अभी ये चीज़ें हो चुकी हैं, और यहाँ पे अब जो है जो चीज़ें हम लोगों ने सजा के रखे थे, अब हम इसको अपने घर से टेरेस की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये आ चुके हैं अभी टेरेस पे, उसको भी हम अभी अपने अलग तरीके से डेकोरेट करते हैं। जो जैसे अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे आंटी ने भी बहुत अच्छे से बनाया, और ये गन्ने को हम लोगों ने डेकोरेट किया है यहाँ पे, एक अच्छा सा आर्क देते हैं वहाँ पे, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जैसे लाइट्स हैं या दिया है, वो सारी चीज़ें हम लोग रखते हैं। और यहाँ पे लोगों का आना चालू हो गया, दिव्या भी आ गई, और सब लोग धीरे धीरे अभी आते जाएंगे, और आसपास के लोग भी आएंगे। पूरी तरह से सेट हो चुका है अभी, पूरा माहौल आ चुका है। गाने इस बार नहीं बज रहे क्योंकि मैंने इस बार नहीं बजाया, और बच्चों के जो एक्साइटमेंट लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अभी यहाँ पे मैं एक चीज़ जो है किसी के पास नहीं है वो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, वो है फ्लावर, और फ्लावर मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो हम लोग भूल गए थे फ्लावर वो लेके आया हूँ मैं। तो यहाँ पे एक जो जो चीज़ें जो कम होती है वो चीज़ें, ये मेरा काम है कि मैं जाके सारी चीज़ें लेके आता हूँ। और ये यहाँ पे एक यहाँ पे देख रहे हो कि जो हथेली पे जो है हल्दी और सिंदूर, जो वो जो डब्बा है उस डब्बे से ही निकाल के ही ये किया जाता है। और आप देख रहे हो कि नोज़ से लेके फोरहेड तक ये जो सिंदूर है वो लगाया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे जैसे एक राउंड लेते हैं, एक राउंड के बाद आप जो दूध है वो अर्पण करते हैं सूर्य को, और अपने सरफेस पे ही ये घूमते हैं। तो इसमें जैसे आप इसको कहते हैं सूप, जो एक ट्रायंगल शेप का होता है, उसमें बहुत सारे जो चीज़ें हम लोगों ने शॉपिंग की वो सारी चीज़ें रखी हैं।
तो यहाँ पे डिजिटली भी सब लोग कनेक्ट होते हैं, जहाँ जहाँ पे छठ होता है, तो एक कह सकते हैं कि वर्चुअली एक हम लोग सैर भी करते हैं, लोगों से मिलते हैं यहाँ पे कि कहाँ पे कब सनसेट हो रहा है, कब सनराइज़ हो रहा है। तो बहुत सारे लोग इंडिया में भी हैं, बहुत सारे लोग इंडिया के बाहर भी हैं, तो वो लोग जुड़े हुए हैं, तो ये भी एक अच्छा लगता है। और यहाँ पे अभी आज का कंप्लीट हो चुका है, तो आप भी वाइंड अप करें और मिलेंगे नेक्स्ट डे मॉर्निंग।